हूं आपके साथ दीक्षा खांत्री। हाल ही में अलीगढ़ में 30 साल की मासूम ट्विंकल के साथ हुई ज्यादती का मामला थमा भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर नोएडा में आईआईटी प्रोफेसर द्वारा अपनी पूर्व छात्रा के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर ने छात्रा को नौकरी देने के नाम पर बुलाया था और फिर उसके साथ रेप किया। हैवानों की हैवानियत थमने का नाम नहीं ले रही है और दिन ब दिन लड़कियां और महिलाएं इन हैवानों का शिकार हो गई है। आखिर कब तक मासूम बच्चियां और महिलाएं, जो कि देश की आधी आबादी है, इस तरह के जुल्म सहती रहेंगी। घटना नोएडा की है, जहां 35 वर्षीय महिला ने पूर्व में उसे मैथ्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। महिला राजस्थान की है और दिल्ली में अपने पति के साथ रहती है। महिला का कहना है कि प्रोफेसर डॉक्टर विजय वर्गीय आईआईटी जोधपुर के गेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 20वें स्थापना दिवस में भाग लेने आए थे और वहीं के हॉस्टल में रुके हुए थे। प्रोफेसर ने महिला को नौकरी देने का झांसा देकर बुलाया और हॉस्टल के कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। घटना के बाद महिला ने गेल रिसेप्शन पर जाकर सारी बातें बताई थी। इसके बाद मामले की सूचना सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन को दी गई थी। पुलिस द्वारा प्रोफेसर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस द्वारा यही कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।